सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और NIACL यानी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वैकेंसी निकाली है 312 ऑफिसर्स की, जर्नलिस्ट की और स्पेशलिस्ट की। तो आज हम आपको इन वैकेंसी के बारे में बताएंगे। जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। साथ ही दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए AFCET 1/2019 का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके लिए हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके लिए आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे NIACL में जो वैकेंसी आई है जर्नलिस्ट ऑफिसर की, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वैकेंसीज की। तो पहली वैकेंसी है कंपनी सेक्रेटरी की, इसकी वैकेंसी आई है 2, वहीं लीगल की वैकेंसी है 3। फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो उसकी वैकेंसी है 35 और जर्नलिस्ट की वैकेंसी है 245। और जर्नलिस्ट की वैकेंसी में आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो या PG हो, आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें टोटल वैकेंसी आई है 312। रिजर्वेशन एज पर रूल दिया जाएगा, लेकिन आवेदन करने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए या फिर स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए, एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की एंड टाइमलाइन की। तो फॉर्म भरे जाने हैं 10 से लेकर 26 दिसंबर 2018 तक, यानी 10 दिसंबर को स्टार्ट होंगे और 26 दिसंबर को एंड होंगे। फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा 30 जनवरी 2019 को और फेज 2 ऑनलाइन एग्जाम होगा 2 मार्च 2019 को। और प्रोबेशन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 1 साल के प्रोबेशन पर रखा जाएगा। और साथ ही आपसे गारंटी बॉन्ड भी भरवाया जाएगा कि आपको सिलेक्ट होने के बाद कम से कम कंपनी में 4 साल की सेवा देनी होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 1 साल की सैलरी जमा करानी होगी। बात कर लेते हैं पे और एमोल्यूमेंट्स की। तो आपकी बेसिक पे होगी 32,795 रुपए और अलाउंसेस जो भी हैं वो सब मिला के आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 51,000 रुपए महीने। और ये जो बेसिक पे है 32,795, ये 1 अगस्त 2017 से रिवीजन होनी है और आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। रिवीजन होने के बाद आपकी सैलरी लगभग होगी स्टार्टिंग में 70,000 रुपए महीने। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास जो भी योग्यताएं हैं वो सब एक बार उठाए को होनी चाहिए। जर्नलिस्ट के लिए हम बात करें तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ, यानी अगर आपके ग्रेजुएशन में कम है मार्क्स और पीजी में है तो आप पीजी के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीजी नहीं है और आपके ग्रेजुएट में 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए मार्क्स होने चाहिए कम से कम 55%। स्पेशलिस्ट की हम बात करें तो आपके पास उसमें जो योग्यता मांगी है वो होनी चाहिए। योग्यता इस प्रकार है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी सेक्रेटरी की। तो इसके लिए आप ACS हो या FCS हो ICSI से, और ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए या फिर आप पीजी हो कम से कम 60% अंकों के साथ। वही बात करें लीगल की, तो आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए लॉ में कम से कम 60% मार्क्स के साथ। SSTPH के लिए 55%। बात करें फाइनेंस अकाउंट्स की, तो इसके लिए आप CA हो ICAI से 60% मार्क्स के साथ, SST के लिए 55%, या फिर आप कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो ICWI से कम से कम 60% मार्क्स के साथ, SST PH के लिए 55%। और आप ये भी नहीं है तो आप MBA हो फाइनेंस से या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास हो मैनेजमेंट में फाइनेंस के साथ, कम से कम 60% मार्क्स आपको होनी चाहिए। या फिर आप MCOM हो कम से कम 60% मार्क्स के साथ और SST PH को 5% का सेशन रहेगा। और जो फाइनेंस के लिए मांगी गई है योग्यता फाइनेंस अकाउंट्स के लिए MBA या PGDMA फाइनेंस, उसमें जो आपकी डिग्री है उस पे मेंशन होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, कंफर्म होना चाहिए तभी आपको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। जो भी आपके पास योग्यता है वो 1/12/18 तक होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट अपीयरिंग है फाइनल में पढ़ रहे हैं वो आवेदन के पात्र नहीं है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज लिमिट है 21 साल और मैक्सिमम है 30 साल। ये 1/12/18 को काउंट होगी, यानी आपका जन्म 2 दिसंबर 1988 से पहले और 1 दिसंबर 1997 के बाद में नहीं हुआ होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन SST OBC PH कैंडिडेट्स को एक्सेसमेंट को अपर रूल दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो स्टेज 1 एग्जाम जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा और भाषा इंग्लिश ही होगी। वही रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा, भाषा होगी इंग्लिश और हिंदी। वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा, भाषा होगी इंग्लिश और हिंदी। इस प्रकार 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, समय होगा 1 घंटे का। और वैकेंसी के अगेंस्ट 15 गुना कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जो मेन एग्जाम होगा वो 200 अंकों का होगा और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट भी होगा 30 अंकों का। और दोनों टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होने हैं वो ऑनलाइन ही होंगे, आपको कंप्यूटर पर ही अपना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिखना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। तो ये 2 घंटे का समय मिलेगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। वहीं इंग्लिश का जो सेक्शन है 50 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ इंग्लिश में होगा। जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 50-50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। इस प्रकार 200
अंकों का ये होगा और समय होगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। तो ये तो बात हो गई जर्नलिस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं स्पेशलिस्ट के लिए। तो स्पेशलिस्ट के लिए जो मेन एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 40, जीके के 40 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40। वहीं जो आपकी स्पेशलाइज स्ट्रीम है उसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स होंगे 200, समय होगा 2 घंटे का। साथ ही आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा 30 मिनट का, इसके लिए 30 मार्क्स दिए जाएंगे और ये इंग्लिश भाषा में होगा। इसमें आपकी लेटर राइटिंग होगी 10 अंक की और ऐसी राइटिंग होगी 20 मार्क्स की और ये ऑनलाइन ही होना है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। बात करते हैं पेनल्टी की, तो पेनल्टी जो होगी वो आपकी 1/4 की होगी, यानी सही के लिए 1 अंक और गलत के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। फेज थर्ड होगा आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू में कैंडिडेट को फेज सेकंड के मार्क्स के बेस पर बुलाया जाएगा और जो वेटेज है ऑनलाइन एग्जाम का और इंटरव्यू का वो 80-20 का होगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो कैंडिडेट की मेन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट था 200 अंकों का उसके बेस पर, इंटरव्यू के बेस पर बनेगी, यानी जो प्री एग्जाम है साथ ही डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसके मेरिट में अंक नहीं जुड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको बता चुके हैं ऑनलाइन है। आप newindia.co.in पे जाके वहाँ कैरियर्स में जाके फॉर्म भर सकते हैं और पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद अपना फॉर्म भरेंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस 10/12/18 से लेकर 26/12 तक भरी जानी है। SSC PH के लिए है 100 रुपये, वहीं बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए है 600 रुपये। और एग्जाम सेंटर डिफरेंट स्टेट में बनाए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनमें से चुन सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वैकेंसी अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।